वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, सबका ब्रेकफास्ट हो गया है, सब लोग अपने अपने ऑफिस कॉलेज सब जा चुके हैं और मेरा भी हो गया ब्रेकफास्ट। और अभी मैं सोच रही हूँ, दिवाली को अभी जैसे 2-4 दिन बाकी हैं, तो अभी जैसे हाउस हेल्पर आएगी तो उसके साथ मिलके दरवाजे सब जाले वाले पंखे सब क्लीन करवाने हैं। मैं भी उसकी हेल्प करवाऊँगी, यानी कि मैं उसके ऊपर पूरा डाल दूँगी, मैं भी उसके साथ ही लगूँगी। और लंच में मैं आज बना रही हूँ कीमा तड़के वाली दाल और रात को बन जाएगा भरता। और अब बच्चों के साथ अभी शॉपिंग वॉपिंग भी जाना है, कपड़े उन्होंने अभी दिवाली के लेने हैं, इनके साथ सिटी मार्केट जाना है, बहुत काम है अभी दिवाली के, तो लाइट्स वगैरह लानी है, तो इनके साथ भी जाना है, बच्चों के साथ भी जाना है। तो चलिए बने रहिए आप लोग मेरे व्लॉग में, देखते हैं पूरा दिन में क्या क्या होता है और आप लोगों की दिवाली की कैसे चल रही है तैयारी मुझे बताना जरूर। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय। पूरा ही है उधर, पूरा है, पूरा दिवाली आ रही है तो करें थोड़ा बहुत सफाई। ये बैग को धो लेते ना, वो बैग ये वाला हाँ बैग नहीं है, टेडी बियर। फिर भी ना धोने से अच्छा लगेगा। धोया था अभी 2-3 महीने पहले, धोया पूरा, धूल हो गया भाभी। इतना मिट्टी है। हाँ आप इधर आइए, वो पूरा लेंगे, वो इधर का पूरा। फैन है? फैन इसी से कर दूं? आएगा जितना भी आ रहा है, आने दो उसको, झाड़ देंगे तो वो पूरा पूरा सूखा जाएगा तो अच्छा है ना। वो सूखा सूखा झाड़ लेते। हाँ अब खाना और... क्या बनाओगे? खाना ये चिकन बना रही हूँ। तूने क्या बनाया था? दही चावल। अभी हमें भी बुला ले अपने मैं बन रहा आज कीमा, और मैंने यहाँ तैयारी कर ली है, प्याज डाल दिए, प्याज और हरी मिर्ची, यहाँ मैंने टमाटर रख लिए हैं और बस अभी कीमा धो के इसमें डाल दूँगी। तो बस इसमें मैंने कीमा डाल दिया, अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साइड में दाल बन रही है, तुअर की दाल बन रही है और ये कीमा बन रहा है, क्योंकि आज सफाइयाँ करनी थी, मैं फटाफट आज काम करके निपटा लेते हैं, खाना वगैरह बन जाएगा तो तसल्ली हो जाएगी, है ना। तो एक तरफ ये बन खाना लगभग रेडी है, सिर्फ इसमें अभी प्याज टमाटर सब डाल दूंगी, बर्तन पूरे हो चुके हैं, ये बस साइड भी रहेगा। अभी थोड़ा बहुत स्टोर का काम चल रहा है, स्टोर और किचन क्लीनिंग चल रही है, तो जो जो बर्तन होते जा रहे हैं धो धो के इसको हम यहीं रखते जा रहे हैं। और सारे मैंने टेडी बियर भी उतार दिए, वो टीवी के ऊपर से टेडी बियर सब उतार दिए, ये सब फूल वूल यहाँ से सब उतार दिए, यहाँ सब लगे हुए थे आप लोगों ने देखा ही होगा, तो ये उतार के ये रख दिए। बस मैं इसको अभी सर्फ में थोड़ी देर 1-2 घंटे भीगे रहेंगे ना तो पूरे साफ़ हो जाएंगे, ये देखिए पूरे काले हुए पड़े। तो ऐसा ये अभी टेडी बियर भी यहाँ से उतार दिए, इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ था तो ये वॉश नहीं होगा, ये एक फूल अभी रह गया, इसको उतारते हैं अभी, बच्चे आएंगे तो उतारेंगे इसको, गांठ बांधी हुई है इसको उतार के। दिवाली की तैयारी फुल स्पीड पे चल रही है, क्लीनिंग चल रही है, तैयारी तैयारी क्या मींस क्लीनिंग चल रही है। पानी उबल गया और आप लोग भी लगे होंगे फुल क्लीनिंग वीनिंग सब चल रहा होगा घर में, है ना। तो यहाँ मैंने अभी वॉशिंग मशीन में सारे टेडी बियर सब उतार के रख दिए, सॉफ्ट टॉयज बहुत ही गंदे हुए पड़े हैं, और जबकि मैं धोती रहती हूँ इनको साथ साथ, आप लोगों ने देखा होगा पहले मैं वीडियोस में कि मैं धोती रहती हूँ, जब भी वॉशिंग मशीन लगाती हूँ 2-3 महीने बाद इनको धो देती हूँ तो साफ हो जाते हैं, तो अभी फिर इनको धो देते हैं। बाय।
बारिश ने तो अभी हदें पार कर दी हुई हैं। अभी 2 बजे हैं दिन का और बारिश शुरू हो गई है। अभी मैंने कपड़े धोने हैं और ये मार्च अप्रैल से ऐसे लगी जैसे पता नहीं क्या भगवान इतने प्रसन्न हो चुके हैं धरती पे। दिन रात बारिश हो रही है और नॉन स्टॉप हो रही है, लगभग मार्च नहीं तो अप्रैल से तो कंटिन्यू बारिश हो रही है। ये देखिए पूरा गीला हो गया और अभी तो पूरा दिन पड़ा है। बस करो जी, बस करो भगवान जी। यहाँ मेरे कपड़े धुल रहे हैं और ये बच्चे टेडी बेयर इनको धोती हूँ। ये हमारे धुल चुके हैं, फूल वगैरह सब धुल। गाइस देखिए फूल हमारे पूरे सूख चुके हैं, देखिए पूरे साफ हो गए एकदम नीट एंड क्लीन। भाई ये टेडी बेयर रह गए हैं इनको धोती हूँ, कपड़े धुल रहे हैं। ये धुल चुके हैं सब, तो ये लास्ट राउंड है मेरा। तो पूरा किचन भी पूरा क्लीन हो चुका है, अच्छे से टाइल्स वॉश करवाई हैं, पूरा जो भी वो मिस्टर मसल आता है पूरा लगवा के पूरी गैस वगैरह सब स्लैब पूरा क्लीन करवा दिया। और ये सब्जियां जो बची हुई हैं वो पूरा निकाल के रख दिया। पूरा किचन भी क्लीन हो गया है, स्टोर भी हो गया है और जो होगा बाकी आपको दिखाते रहेंगे। देखिए बिल्कुल क्लीन चमक रही है टाइल्स, गैस भी पूरा, गैस स्टोव जो है पूरा क्लीन है, अच्छे से चमका दिया है। तो यहाँ बन रहा था रात को भरता, क्योंकि दिन में बना था कीमा और दाल, तो कीमा तो ये खाते नहीं है तो उनके लिए मैं भरता बना रही थी। सूखी एक सब्जी उनको चाहिए होती है हमेशा, दाल और सब्जी बनती ही बनती है। और ये देखिए टेडी बेयर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं। और आप लोगों की दिवाली की सफाइयाँ, आप लोगों की दिवाली कैसे बनी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। ये व्लॉग दिवाली के बाद ही आएगा क्योंकि सबको पता है कि दिवाली में कितने काम होते हैं, घर के काम, साफ सफाइयाँ, बाहर शॉपिंग, धनतेरस की शॉपिंग की। और इस वीडियो के बाद आएगी धनतेरस की शॉपिंग, उसके बाद आएगा दिवाली का व्लॉग। और बस यही था, मैं कहा चलो अपनी क्लीनिंग भी दिखा देती हूँ और छोटा सा एक व्लॉग भी बन जाएगा। तो बस ये बस यहाँ हमारी मेरी आ चुकी है और यहाँ पे वो दरवाजे क्लीन कर रही है। मिस्टर मसल उसने थोड़ा सा पानी में घोल लिया था तो उसी पे पहले दरवाजों पे लगा लेगी, फिर 1 घंटा रख के दूसरे काम कर लेती है, बर्तनों सफाइयाँ कर लेगी। तो दरवाजे बिल्कुल इससे साफ हो गए थे तो मैं कहा चलो एक वीडियो आपको दिखा देती हूँ क्लीनिंग की, हमने क्या क्या किया, क्लीनिंग कैसे की और आप लोगों ने कैसे की प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। इस वीडियो के बाद धनतेरस, दिवाली और मैंने लगवाई थी मेहंदी, मेहंदी का भी एक व्लॉग आएगा छोटा सा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।